दोस्तों ये जो चावल है ना, ये पानी में गिर गई थी, तो ये चावल भींगा हुआ है। हेलो मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी ना मैं खाना बनाने के लिए चावल धो रही हूँ और आयुष स्कूल गया हुआ है। आप लोगों को मैं बताई थी कि कल आयुष के बाबा गए हुए थे गांव चावल लाने के लिए। तो आने का समय क्या हुआ ना दोस्तों, खरसवा पार करने के बाद जो कुचाई के सामने वाला पुलिया है ना, वहाँ पर पानी भरा हुआ था थोड़ा, और शायद पत्थर से या गड्ढा में स्कूटी का चक्का जो है वो थोड़ा सा फंस गया था, या फिर क्या हुआ था नहीं पता। थोड़ा सा डगमगा गए थे आयुष के बाबा वहाँ पर पुलिया में। तो क्या हुआ ना, जो भी चावल और जो कुछ भी ला रहे थे ना गांव से, वो सारा पानी में गिर गया और मोबाइल भी पानी में गिर गया था। तो मैं कॉल कर रही थी ना जब आयुष के बाबा को, तो कॉल बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो मैं परेशान हो गई थी कल कि कॉल काहे नहीं लग रहा है। कल शाम को ना अचानक पीयूष बाबा बाबा करके रो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस लिए रो रहा है बाबा बाबा करके। परेशान कर दे रहा था मुझे बाबा बाबा करके। तो मैं सोची कि थोड़ा बात करवा देती हूँ पीयूष के साथ। मैं जब कॉल कर रही थी तो कॉल बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैं कम से कम 50 से 60 बार कॉल कर चुकी थी आयुष के बाबा को, पर कॉल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, इतना लेट भी हो रहा है आने में और कॉल भी नहीं लग रही है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कल शाम को। जब से मैं कॉल लगा रही थी ना, तो 1-2 घंटा के बाद मुझे कॉल आया कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में, ऐसा ऐसा बात है, कुछ दिक्कत हुआ है थोड़ा, पर पूरा बात नहीं बताए और बोले कि मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा दिक्कत हो गई थी, चावल उबल गिर गया है। तो अब क्या हुआ ना दोस्तों, मेरे दिमाग में और दूसरा दूसरा बात चलने लगी, तो और टेंशन होने लगी मुझे कि चावल गिर गया था, पता नहीं क्या हुआ होगा। यही सब सोच सोच के ना परेशान हो जा रही थी मैं, और मैं ना चैन से बैठ पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी। बस यही सोच रही थी कि कब आएंगे आयुष के बाबा, क्या हुआ होगा उनके साथ, बस यही सोच रही थी मैं। बस अंदर और बाहर हो रही थी बार बार। तो उनका ना घर पहुंचते पहुंचते 8 बज गया और सारी कहानी बताए कि ऐसे ऐसे पुलिया में थोड़ा सा पानी था तो चक्का थोड़ा फंस गई थी, तो चावल उवल सब गिर गया था, इसीलिए थोड़ा आने में लेट हो गई। मोबाइल में पानी घुस गया है तो डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा सा दिख रहा है। स्कूटी पूरा गिरा नहीं था और आयुष के बाबा भी नहीं गिरे थे, बस चावल उबल सब गिर गया, मतलब आधा गिरे हुए थे, पूरा नहीं गिरे हुए थे, बस झुक गए थे थोड़ा, इसीलिए जो सामान है ना वो गिर गए थे। साबुन ला रहे थे, साबुन भी पूरा भींग गया है एकदम, उसको सुखाना पड़ा आज। और आयुष के बाबा के पाँव में हल्की फुल्की खरोंच आई है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है जो सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी दोस्तों। दोस्तों आप लोग मेरे परिवार के हिस्सा बन चुके हैं, तो इसीलिए जो कुछ भी होता है ना मेरे परिवार में, वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ। आयुष के बाबा का मोबाइल ख़राब हो चुकी है, तो बनाने के लिए दिए हैं आयुष के बाबा दुकान में। आज ना दोस्तों मैं कच्चा पपीता का सब्जी बना रही हूँ। अभी ना दोस्तों वोल्टेज का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वोल्टेज ज़्यादा होने से भी इंडक्शन चलता नहीं है, तो वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए इंडक्शन नहीं चल रही है। तो इंडक्शन में कोशिश कर रही थी मैं बनाने का।
वोल्टेज के चलते ना अभी मुझे गैस में बनाना पड़ेगा सब्जी। कच्चा पपीता के साथ ना मैं थोड़ा सा चना भी मिक्स करूंगी पपीता की सब्जी में। बाल्टी भी मेरी खाली हो चुकी है, पानी अभी है नहीं, तो सब्जी बनाने के बाद ही मैं जाऊंगी पानी लाने के लिए। नीचे में और एक बाल्टी है जिसका पानी मैं यूज कर लूंगी। कच्चा पपीता का सब्जी मेरी बन चुकी है। और ये देखिए दोस्तों, जो चावल गिर गए थे ना पानी में, उसको मैं आज सूखने के लिए बाहर निकाली हूँ। तो नीचे का जो थोड़ा बहुत चावल है वही खराब हुए हैं, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा सूखने के बाद इसको रख लूँगी। तो आज के ब्लॉग को ना दोस्तों यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।